100th place digit of a number. Means हमको कोई expression, एक particular type का expression given है और हमसे क्या पूछ रहा है कि उसकी 100th place की digit क्या हो. तो जैसा कि हमने previous session में पढ़ा कि how to find the 10th place digit in a particular kind of expression, उसी कॉन्सेप्ट को हम आगे जनरलाइज कर रहे हैं. हमसे कहा गया कि सपोज करो n क्या गिवन है, 2 की पावर 8 1 9 into 5 की पावर 2. सपोज करो ये गिवन है, तो इसका 100th प्लेस का डिजिट क्या होगा. तो प्रीवियस कॉन्सेप्ट की तरह 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर को हमने क्या किया, अलग कर दिया, और रिमेनिंग नंबर बचा क्या, 2 की पावर 8 1 7. 2 की पावर 8 1 7. अगर आप यहां ध्यान से देखो तो ये क्या बन चुका है, 100. किसी भी नंबर में अगर 100 का मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, 2 जीरो तो ऐसे हो जाएंगे और इसके बाद वो नंबर आएगा. किसी भी नंबर मींस 2 की पावर 8 1 7 में यू आर मल्टीप्लाइंग 100, तो क्या हो जाएगा, ये जो नंबर होगा इसके आगे 2 जीरो ऐसे लग जाएंगे. इसका मतलब अगर इस नंबर का मैं क्या निकाल लूं, यूनिट प्लेस डिजिट अगर इसका निकाल लूं तो उसको इस जगह रखूंगा. इसके पीछे भी नंबर होगा लेकिन मेरे को तो पूछा सिर्फ इतना है कि 100th प्लेस की डिजिट क्या होगी. आप इजीली कैन फाइंड इट आउट. ओके, सपोज करो कि कोई दूसरा सवाल लिखता हूं, मैंने कहा कि इसमें गिवन है 7 की पावर 1 3 8 इंटू 9 की पावर 1 2, इस तरह से कुछ नंबर लिखा हुआ और आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि यूनिट प्लेस की डिजिट, सॉरी 100th प्लेस की डिजिट क्या होगी. कॉन्सेप्ट अभी भी वही के वही है. आप क्या करोगे, इसमें से 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर, एक पेयर 2 स्क्वायर और 5 स्क्वायर अलग करो. अगर एक से ज्यादा है, सॉरी 2 पेयर ऑफ 2 एंड 5 आप अलग करोगे. अगर 2 पेयर से ज्यादा है 2 एंड 5, इसका मतलब आप डायरेक्टली आंसर करो कि एट द 100th प्लेस यू विल गेट अ 0. इस एक्सप्रेशन के अगर 2 और 5 के 2 पेयर से ज्यादा हैं तो आप डायरेक्टली आंसर करो कि एट 100th प्लेस द 100th प्लेस डिजिट ऑफ दिस नंबर विल बी 0. लेकिन अगर एग्जैक्टली 2 पेयर है, इन दैट केस व्हाट यू विल डू, 2 की पावर 8 1 7 इंटू 7 की पावर 1 3 8 इंटू 9 की पावर 1 2. यहां से 2 आपने क्या किया, इसमें से 2 निकाल दिए, ये 5 ये निकाल दिया. कहता है इसका क्या करो, ये एक नंबर है, इसमें 100 का मल्टीप्लाई हो रहा है, इसमें से 100 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या होगा, ये जो नंबर जो भी सपोज करो, ये नंबर सपोज करो निकल के आता है कुछ एक्स वाई जेड, और इसमें आप 100 का मल्टीप्लाई करो तो 100 सीधे बगल में ऐसे लग जाएगा. तो ये क्या निकल के आया, यूनिट प्लेस डिजिट जेड ऐसे. तो आप क्या करो, इसकी यूनिट प्लेस डिजिट निकाल दो. जो यूनिट प्लेस डिजिट इस नंबर की होगी, इस नंबर की, वो इस एन की क्या होगी, 100th प्लेस डिजिट होगी. नाउ लेट्स से, नाउ लेट्स से कि हमने एक्सप्रेशन लिया n इक्वल टू 6 की पावर 12 इंटू 5 की पावर 2. यूनिट प्लेस डिजिट क्या होगी. अब देखिए, आपको डायरेक्टली 2 की पावर नहीं दिख रही है, तो आप क्या करें, 2 की पावर में बनाएं इसको. जैसे 6 है, 6 को क्या कर दूं मैं, 2 इंटू 3 की पावर 12
इंटू फाइव का स्क्वायर ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे 2 की पावर 12 इंटू 3 की पावर 12 इंटू 5 स्क्वायर, मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे चाहिए 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, ये चाहिए। इसके बाद रिमेनिंग नंबर क्या बचता है, 2 की पावर 10 इंटू 3 की पावर 12 एंड दिस होल थिंग। फिर से क्वेश्चन फिर से आपने अपनी फॉर्म में बना लिया, इसका क्या करना है, इसका यूनिट लेफ्ट डिजिट विल बी द 10th प्लेफ डिजिट ऑफ दिस नंबर n। तो इस तरह से आप इसको जनरलाइज कर सकते हैं। ओके, नाउ हम इसको और जनरलाइज करते हैं और निकालते हैं 1000th प्लेस डिजिट। अगर यहां मैं कहूं कि मुझे क्या निकालना है, 1000th प्लेस डिजिट निकालनी है, तो कैसे करेंगे, मैंने कहा मुझे नंबर दिया हुआ है 2 की पावर 18 इंटू 5 3 इंटू 7 की पावर 2, इस तरह का नंबर दिया हुआ। अब मुझे 1000 प्लेस के डिजिट चाहिए, इसका मतलब क्या है, इस तरह से सिनेरियो बनना चाहिए। इस तरह से कुछ सिनेरियो बनना, 10th प्लेस, 100th प्लेस, और ये क्या मतलब, इस जगह पर कुछ आना चाहिए, तो ये 1000 प्लेस की डिजिट हो जाएगी। तो आप क्या करेंगे, आपने एक पेयर 2 और 5 का लिया था तो क्या मिला था, एक पेयर 2 और 5 का लिया तो नंबर के एंड पे 0 आया। आपने दो पेयर 2 और 5 का लिया तो नंबर के लास्ट के दो नंबर क्या थे, 0 थे। आपने 2 और 5 के तीन पेयर लिए तो लास्ट के तीन नंबर क्या थे, 0 थे। अब की बार हमें क्या करना है, 2 क्यूब इंटू 5 निकाल लेना है, यहाँ से 2 की पावर कितना, 15 इंटू 7 की पावर 2, इसका क्या करें, यूनिट प्लेफ डिजिट निकालें एंड यू विल गेट द 1000th प्लेस डिजिट ऑफ दिस नंबर n।